मिडिल ईस्ट भारत के युद्ध इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। इजराइल के हाइफा की लड़ाई में भारतीय घुड़सवारों ने वो किया जिसमें वो माहिर थे, घोड़ों से आक्रमण। वह पूरी वीरता से लड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाइफा शहर को तुर्की सेना के कब्जे से वापस लिया। हाइफा एक मुख्य और मजबूत शहर था। अचानक जिस रफ्तार से ये हमला हुआ उसे देखकर तुर्की अचंभित रह गए, और ये दुनिया के लिए घुड़सवारी और कैवलरी का शानदार उदाहरण बन गया। हाइफा में आज भी लगभग 900 भारतीय सैनिकों की कब्रें पूरी तरह संरक्षित हैं। हाइफा आज भी सभी शहीदों और जो सैनिक जिंदा बचकर वापस लौट आए उनके बलिदान को याद करता है। लोग आज भी आभार के साथ याद रखते हैं कि इजराइल को अपना वजूद तब ही मिल पाया जब तुर्की महायुद्ध हार गया, और ये मुमकिन हो पाया उन वीर गाथाओं से जो भारतीय सैनिकों ने लिखी। रोचक किस्सा यह है कि बहाई धर्म के मुखिया वहां कैद थे और उन्हें फांसी देने ही वाले थे, पर वो आजाद हो गया। बहाई लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। सही वक्त पे हाइफा पे कब्जा हुआ और जोधपुर लैंसर्स ने उन्हें आजादी दिलाकर बचा लिया।